हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 तक सीखा था, राइट? और आज हम नेक्स्ट पेज मतलब कि पेज नंबर 16 पर से सीखेंगे। उसमें हमें कौन सा टॉपिक दिया गया है? इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, राइट? उसमें हमें क्या बोला है? रेस, ये एक रेस है। दिस इज ए 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए 100 मीटर की एक रेस है। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, अरुंधति है वो फिनिशिंग लाइन के नजदीक है। शी इज अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट, वो फिनिशिंग लाइन से अबाउट 6 मीटर दूर है। बिहाइंड हर इज रेहाना, उसके पीछे कौन है? रेहाना। देन कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना, फिर हमें क्या बोला है कि रेहाना के पीछे कौन है? कोंकणा एंड उमा। लुक एट द पिक्चर, को पिक्चर में देखना है। टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो, 3 मीटर्स, 6 मीटर्स, 10 मीटर्स एंड 15 मीटर्स। तो चलो हम पहले पिक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें ये रेस का पिक्चर दिखाई दे रहा है कि सभी गर्ल्स है वो रेस के लिए दौड़ रही है। तो यहाँ पर ये एक फिनिशिंग लाइन है, राइट? और हमें क्या बोला है कि अरुंधति है वो फिनिशिंग लाइन के नजदीक है। तो ये वाली गर्ल है उसका नेम क्या है? अरुंधति। और वो फिनिशिंग लाइन से अबाउट 6 मीटर दूर है, राइट? फिर हमें क्या बोला था कि उसके पीछे रेहाना है। कौन है ये? रेहाना, राइट? फिर उसके पीछे कोंकणा एंड उमा है, वो दौड़ रही है। तो ये दोनों का नाम क्या हुआ? कोंकणा एंड उमा। देन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है ए वाला? हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति, रेहाना है वो अरुंधति से कितनी दूर है? अबाउट 3 मीटर्स, राइट? देन बी वाला क्या है? हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा, रेहाना है वो कोंकणा एंड उमा से कितनी दूर है? तो क्या आएगा? 6 मीटर्स, राइट? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ज्यादा है। फिर सी वाला क्या बोला है? हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, कोंकणा एंड उमा है वो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? तो क्या आएगा? 15 मीटर्स, क्योंकि यहाँ से फिनिशिंग लाइन का डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो क्या आएगा? 15 मीटर्स। फिर हमें क्या बोला है? हैव यू हर्ड अबाउट ए 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस, कि आपने कभी 1500 मीटर या तो फिर 3000 मीटर रेस के बारे में सुना है? यू रिमेम्बर दैट 1000 मीटर्स मेक 1 किलोमीटर, आपको ये याद होना चाहिए कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स मेक हाफ ए किलोमीटर, और 500 मीटर मतलब क्या होता है? हाफ किलोमीटर। तो फिर हमें आंसर क्या देना है कि येस आई हैव हर्ड अबाउट ए 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। देन हमें क्या बोला है? सो यू कैन से इन ए 1500 मीटर्स रेस पीपल रन डैश किलोमीटर, मतलब कि 1500 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर्स होंगे? 1.5, राइट? क्योंकि 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। देन नेक्स्ट वन इज इन ए 3000 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर, तो क्या होगा? 3 किलोमीटर, क्योंकि 3000 मीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर। फिर हमें क्या बोला है? हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसिस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स, कि आपने मैराथन रेसिस के बारे में सुना है कि जिसमें लोग है वो 40 किलोमीटर्स जितना रन करते हैं। पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ ए स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स,
पीपल है वो मैराथन्स में रोड्स पर दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम का जो ट्रैक होता है वो सिर्फ 400 मीटर्स का ही होता है। देन हमें क्या बोला था कि क्या आपने कभी सुना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यस, कि हमने मैराथन्स के बारे में सुना है जो 40 किलोमीटर्स की होती है। फिर क्या बोला है, 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 4000 मीटर्स, मतलब कि क्या होगा, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, 4। देन नेक्स्ट वन इज, सो इफ यू रन ए मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड्स, मतलब कि क्या करेंगे हम, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो क्या होगा, 40,000, राइट, और उससे हम 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100। तो यहाँ पर क्या आएगा, 100 राउंड्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है लॉन्ग जंप, मतलब कि बड़ा जंप। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज, ये किसके लिए है, बॉयज के लिए, कि जो कौन सा बॉय है वो सबसे लॉन्ग जंप करता है। देखो यहाँ पर सभी बॉयज है वो यहाँ पर जंप कर रहे, यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ की गई है, राइट। हमें क्या बोला है, धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 meters 40 centimeters, धनु का सबसे लॉन्ग जंप था कितना, 3 meters 40 centimeters। गुरजीत इज सेकंड, गुरजीत सेकंड आया, हिज जंप इज 20 centimeters लेस देन धनुस, उसका जंप था वो धनु के जंप से 20 centimeters लेस था। देन गोपी कम्स थर्ड, गोपी थर्ड आया, हिज जंप इज ओनली 5 centimeters लेस देन गुरजीत जंप, गोपी का जंप है वो गुरजीत के जंप से 5 centimeters लेस था। फिर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आंसर्स देने हैं। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप, गुरजीत एंड गोपी के जंप कितने लॉन्ग थे वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम गुरजीत का जंप फाइंड करेंगे, गुरजीत जंप इज इक्वल टू 3 meters 20 centimeters, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या हमें क्या बोला था, गुरजीत इज सेकंड, हिज जंप इज 20 centimeters लेस देन धनु, तो धनु का जंप कितना था, 3 meters 40 centimeters, और गुरजीत का जंप 20 centimeters उससे लेस था। तो हम क्या करेंगे, 3 meters 40 centimeters minus 20 centimeters, तो क्या आएगा, 3 meters 20 centimeters, और गोपी का जंप था वो गुरजीत के जंप से 5 centimeters लेस था, तो इससे 5 centimeters लेस, मतलब कि क्या होगा, 3 meters 15 centimeters। देन ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, आपको ट्राई करना है और देखना है कि आप कितना लॉन्ग जंप कर सकते हो। देन हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, आप बॉल को कितना दूर थ्रो कर सकते हो, तो क्या आएगा, अबाउट 15 meters। देन नेक्स्ट वन इज, लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट, आपको फुटबॉल और वॉलीबॉल को भी ट्राई करना है, आप उसको कितना दूर किक कर सकते हो, अबाउट 25 meters। तो ये सब आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या बोला है, चलो देखते हैं। हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स, यहाँ पर इंडियन के रिकॉर्ड और वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पर 3 columns है, देखो, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडियन रिकॉर्ड। तो यहाँ पर सभी स्पोर्ट्स के नेम है, देखो, हाई जंप मेन के लिए, देन लॉन्ग जंप मेन के लिए, हाई जंप वीमेन के लिए एंड लॉन्ग जंप वीमेन के लिए। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है कि हाई जंप मेन में जेवियर एस ने कितना रिकॉर्ड किया था, 2 meters 45 centimeters, और इंडियन का रिकॉर्ड किसने किया था, चंद्रपाल, कितना, 2 meters 17 centimeters। देन लॉन्ग जंप मेन,
उसमें कौन था? माइक पी, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। देन इंडियन में अमृत पाल, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। फिर हाई जंप विमेन में किसने किया? वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेफका के, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। देन इंडियन रिकॉर्ड में बॉबी ए, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। देन लॉन्ग जंप विमेन में किसने किया? गेलिना सी, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। और इंडियन रिकॉर्ड में अंजु जी, 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या बोला है? फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, जो क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट वन है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। चंद्रपाल को कितना ज्यादा जंप करना चाहिए था तो उसका रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इक्वल में आ जाए? तो क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर। उसे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो मेजरमेंट है उसमें से हम इंडियन का जो रिकॉर्ड है उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। देन सेकंड वन इज, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 सेंटीमीटर। बॉबी को हायर जंप करने के लिए कितना लॉन्ग जंप करना चाहिए था? तो क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर। ये भी आपको यहाँ से फाइंड करना है। देन हमें एक बॉक्स दिया गया है, रिमेम्बर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन हाफ मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? तो क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। देन थर्ड वन इज, गेलिना लॉन्ग जंप इज नियरली, गेलिना का लॉन्ग जंप किसके नियर था? उसमें क्या आंसर आएगा? 7.5 मीटर्स। देन फोर्थ वन, लुक एट द वीमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वीमेन्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप? लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप के बीच का डिस्टेंस कितना है? आंसर आएगा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करना है। देन फिफ्थ वन, इफ माइक पी कुड जंप 10 सेंटीमीटर लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। आंसर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर्स। देन सिक्स्थ वन, वुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। किसका हाई जंप है? वो 2.5 मीटर्स के बहुत ही क्लोज था, स्टेफका के, चंद्रपाल, जेवियर एस या तो बॉबी ए। तो आंसर आएगा जेवियर एस। नेक्स्ट टॉपिक इज रनिंग एक्सरसाइज, रनिंग की एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को हर रोज 2 किलोमीटर रन करने के लिए बोला क्योंकि इससे वो फिट रहेंगे। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, वो यहाँ पर जो फील्ड दी गई है उसके 1 राउंड लगाते हैं। हाउ फार डिड ही रन, वो उसने कितना रन किया? यहाँ पर जो फील्ड दिया गया है उसका मेजरमेंट क्या है? यहाँ पर 500 मीटर, यहाँ पर भी 500 मीटर, यहाँ पर 500 मीटर एंड यहाँ पर भी 500 मीटर। तो वो 1 राउंड ये फील्ड का लगाते हैं रे, तो उसने कितना रन किया होगा? इन सब का हमें एडिशन करना है, 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 2000 मीटर, मतलब कि 2 किलोमीटर। देन क्या बोला है? द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हीज होम, फील्ड है वो उसके होम से बहुत ही दूर था। सो ही चूज ए पार्क नियर बाय, तो उसने पार्क को चूज किया। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, पार्क की बाउंड्री कितनी लॉन्ग थी? 400 मीटर्स। यहाँ पर देखो पार्क दिया गया है और ये उसकी बाउंड्री है 400 मीटर।
हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर? उसे 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितने राउंड्स लगाने होंगे? 5 राउंड्स, क्योंकि 400 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 2000 मीटर, इक्वल टू 2 किलोमीटर। देन वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एक दिन वेदर बहुत ही अच्छा था और ठंडा पवन आ रहा था। He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. उसने 8 rounds लगाए तो उसे बहुत ही better feel हुआ। That day he ran dash kilometer and dash meters. तो क्या आएगा? 3 kilometer and 200 meters. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी रूम्स हाई। कितने रूम्स हाई? देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। ये किसका पिक्चर है? कुतुब मीनार का, राइट? यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं। पहले तो हमें बोला है कि द कुतुब मीनार इज 72 meters हाई। ये कुतुब मीनार है, उसकी हाइट कितनी है? 72 meters। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम? आपके क्लासरूम की हाइट कितनी होगी? तो आंसर क्या आएगा? 3 meters। देन गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। आप एक के ऊपर एक ऐसे कितने रूम्स बनाएंगे तो कुतुब मीनार के जैसा होगा? तो आंसर क्या आएगा? 24 rooms, क्योंकि हम 72 को 3 से डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 24। एक्सप्लेन हाउ यू मेड ए गेस। आपने ये गेस कैसे किया तो आपको एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है हाइट ऑफ द कुतुब मीनार और डिवीजन में आएगा हाइट ऑफ वन रूम। 72 meters डिवाइड बाई 3 meters इज इक्वल टू 24। तो हमें ऐसे पता चलेगा कि 24 rooms कैसे आंसर आए, राइट? तो आज हमने पेज नंबर 19 तक टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया। ये सभी आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है।